सो वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज गिट एंड गिटहब। तो कोडिंग के अंदर गिट एंड गिटहब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। बहुत सारे कंपनीज के अंदर भी गिट एंड गिटहब के थ्रू कोड बेस को मैनेज किया जाता है। तो गिट एंड गिटहब एक तरीके से बहुत नेसेसरी एक टॉपिक बन जाता है हम लोगों के लिए, जिसको सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सब कुछ कवर करने वाले हैं, तो पूरा लास्ट तक ये वीडियो देखना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एक फाइल क्रिएट कर लिया है और फाइल का नेम है गिट ट्यूटोरियल। ओके, इन दिस फाइल हम लोग गिट ट्यूटोरियल को कंप्लीट करने वाले। ओके, तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा गिट। सो व्हाट इज गिट? गिट इज अ विजन कंट्रोल सिस्टम। ओके, सो इसका मतलब क्या है भैया? तो इसका मतलब है कि गिट एक सॉफ्टवेयर है, ओके, जिसके थ्रू हम लोग किसी फोल्डर के अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं, ओके, उस फोल्डर के अंदर क्या क्या चेंजेस हमने किया है उसको हम लोग ट्रैक करेंगे। ओके, मतलब हमने एक लाइन ऑफ कोड ऐड किया तो उसको भी वो गिट ट्रैक करेगा। ओके, दिस इज व्हाट गिट इज। ओके, तो गिट को सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा आपके सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले आप लोग सर्च कर लेना गिट डाउनलोड, एंड सबसे ऊपर ही एक हमारा वेबसाइट आएगा गिट डाउनलोड करके। उसके अंदर आप जाके, आपका अगर मैक ओएस है तो आप मैक ओएस के लिए डाउनलोड करना, अगर आपके पास विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए, एंड अगर आपके पास लिनक्स है तो लिनक्स के लिए। ओके, सिंपली डाउनलोड फ्रॉम दोस थ्री। हम लोग कमेंट लाइन के अंदर काम करने वाले, इसीलिए हम लोग UGI को यूज़ नहीं करने वाले। तो जल्दी से आप लोग सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना, एंड इंस्टॉल हो जाने के बाद आपके सिस्टम के अंदर अगर आप राइट क्लिक करोगे तो ये दिखाई देगा। ओके, अगर ये दिखाई भी नहीं देता, आप सिंपली गिट सर्च करना, आपको ये शो करेगा। ओके, तो आपको सिंपली राइट क्लिक करना है इस फोल्डर के अंदर, एंड गिट बैश हियर। ओके, मैं इसको सिंपली स्प्लिट स्क्रीन कर लेता हूँ एंड इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। क्लियर। ओके, सो अभी हम लोग कहाँ पर है? ओके, हम लोग अभी है कोडिंग, देन ट्यूटोरियल, देन गिट ट्यूटोरियल के अंदर। ओके, आपको सिंपली ये हमारा एड्रेस हो रहा होगा। ओके, मतलब फोल्डर का एड्रेस। तो सबसे पहले हम लोग जो काम करने वाले वो है हमारा बेसिक जो कमांड होता है उसको हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहले हमारा होता है ls। ls मतलब, ls मतलब हमारा लिस्ट ऑफ फाइल्स। ओके, तो अभी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक भी फाइल नहीं है, इसीलिए इसने कुछ भी शो नहीं किया। ओके, सो लेट मी मेक अ डायरेक्टरी। ओके, सो mkdir का मतलब है मेक डायरेक्टरी। ओके, सो मेक डायरेक्टरी, देन डायरेक्टरी का नेम भी कुछ होगा तो ट्यूटोरियल। ओके, आप देख सकते हो एक सिंपली एक फोल्डर हमारे लिए क्रिएट करके दिया है। ओके, नाउ ls हमारे इस गिट ट्यूटोरियल के अंदर एक ट्यूटोरियल नाम का एक फोल्डर है, ये मुझे बोल रहा है इधर। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि अभी ये जो हमारे पास ट्यूटोरियल का एक फोल्डर है उसके अंदर मैं जाना चाहता हूँ। ये कैसे होगा? इसके लिए आपको सिंपली लिखना होगा cd ट्यूटोरियल। हम लोग सिंपली इसके अंदर जा चुके हैं। कैसे पता चलेगा? ls, ls मतलब इस फोल्डर के अंदर क्या कुछ है? नहीं है, इसीलिए हमको ls कुछ भी नहीं दिया। अगर आप सिंपली इस पाथ को देखोगे तो हम लोग गिट ट्यूटोरियल के अंदर ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर है। ओके, गिट ट्यूटोरियल, देन ट्यूटोरियल। ओके, तो अभी हम लोग एक फाइल बनाएंगे। तो फाइल बनाने के लिए हम लोगों को टच, टच एक हमारा लिनक्स कमांड होता है। तो टच, देन फाइल का नेम। तो फाइल का नेम मैं देता हूँ सिंपली, ओके, रीडमी डॉट md। ओके, तो हमारे पास एक रीडमी डॉट md आ चुका है। ओके, ना इफ आई वॉन्ट टू रिमूव दिस रेडमी डॉट md, कैसे? तो इसको करने के लिए आपको सिंपली rm remove if then
उस फाइल का नेम तो readme.md रिमूव हो चुका है। तो आई होप ये बेसिक कमांड आपको समझ में आ चुका है। एंड आप अगर बाहर जाना चाहते हो, अभी तो हम लोग ट्यूटोरियल के अंदर है, हम लोग बाहर जाना चाहते हैं। ओके, इसका बाहर है हमारा गिट ट्यूटोरियल। तो उसके लिए आपको सिंपली करना होगा cd चेंज डायरेक्टरी .doc, एक स्टेप बाहर आ जाओगे। आप अभी देखो इसका जो एड्रेस है वो है हमारा गिट ट्यूटोरियल, मतलब अभी हम लोग इधर है। एंड चेंज डायरेक्टरी ट्यूटोरियल, देन अभी हम लोग ट्यूटोरियल के अंदर है, मतलब इसके अंदर है। तो अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एंड मैं एक फाइल बना देता हूँ, टच रीडमी डॉट एम डी। ओके, तो हमने एक फाइल बना दिया है ना। अभी क्या हमारा गिट इसको ट्रैक कर रहा है? नहीं, हमने तो कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया इस फोल्डर के अंदर, इसका मतलब गिट हमारा अभी ट्रैक नहीं कर रहा। ओके, तो इसको ट्रैक करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? इस फोल्डर को ट्रैक कराने के लिए आपको सिंपली एक कमांड लिखना होगा, गिट इनिट। गिट इनिट हमारे लिए एक डॉट गिट नाम का एक फोल्डर बना देगा। उस फोल्डर के अंदर हम लोग जो भी चेंजेस करेंगे उसके अंदर वो जाके सेव हो, मतलब एक तरीके से उसके अंदर जाके वो कमिट रहेगा। ओके, सो अभी तो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कहाँ पे है हमारा डॉट गिट। आपने बोला भाई एक गिट डॉट गिट फोल्डर होगा, अभी तो हमारे पास नहीं है। तो हम लोगों को इसको देखने के लिए ls अगर मैं करूं तो ये नहीं दिखेगा। ls एक डैश देन a, देन अभी हमको शो करेगा कि हमारे पास गिट है। ओके, ना अभी अगर मैं चाहता हूँ कि इस फोल्डर के अंदर मैं देखना चाहता हूँ, तो आपको सिंपली व्यू के अंदर हिडन आइटम एंड आपको डॉट गिट मिल जाएगा। एक्चुअली लिनक्स के अंदर डॉट जो भी स्टार्ट होता है डॉट के बाद, तो वो हमारा हिडन फाइल हो जाता है। ओके, इसीलिए डॉट गिट हमारा हिडन फाइल है, लेकिन इस फोल्डर के अंदर हमने एक डॉट गिट बना दिया है। नाउ अभी हम लोग देखेंगे क्या हमारा रीडमी डॉट एम डी ट्रैक हो रहा है या नहीं। इसको देखने के लिए आपको सिंपली करना होगा गिट स्टेटस। ओके, नाउ अभी बोल रहा है अनट्रैक फाइल्स रीडमी डॉट एम डी, मतलब हमारे पास इस फोल्डर के अंदर हमारा जो रीडमी डॉट एम डी है उसका अभी इसने ट्रैक नहीं किया। ओके, इसको ट्रैक कराने के लिए आपको क्या करना होगा कि गिट को मैं बोल रहा हूं कि भाई तू इस फाइल के अंदर नजर रख। ओके, इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, गिट एड डॉट। ओके, नाउ गिट स्टेटस, ये तो गिट अभी हम लोगों को बोल रहा है कि हमने इसको देख तो लिया है, ट्रैक तो हो रहा है, बट आपने इसका एक फोटो क्लिक नहीं किया, मतलब हमने अभी तक एक भी कमिट नहीं किया। सो एट दिस पॉइंट हमारा जो कोड है वो तो कैसा दिख रहा है हमें पता नहीं है। तो एक बार क्या कर लो कि एक आपका जो कोड है उसको ओपन करके एक फोटो क्लिक कर लो। इस फोटो को क्लिक करने के लिए आपका पास एक कमांड होता है गिट कमिट। तो कमिट क्या करता है, एक एट दिस मोमेंट हमारा जो कुछ भी चेंजेस है उसको एक बार क्लिक कर लेता है। ओके, सो नॉट अ फोटो ऑब्वियसली, तो एग्जाम्पल के तौर में बोल रहा हूँ कि एक फोटो क्लिक होता है लाइक दिस। ओके, तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक समझाता हूँ कि मान लीजिए आपके घर के बाहर में भी आपके जो एरिया है उसके अंदर एक गवर्नमेंट कैम्प बिठाया गया है, जिसके अंदर आपका आधार फोटो क्लिक हो रहा है। आधार के अंदर जो हमारा फोटो रहता है ना बचपन का, जो फोटो है उसको अपडेट करके फोटो क्लिक हो रहा है। ओके, तो क्या हुआ, आपके एरिया के जो कुछ भी पीपल आपके एरिया में रहते हैं लोगों ने उधर जाके एक लाइन क्रिएट की। ओके, एंड उस कैम के अंदर एक स्टेज है। ओके, तो स्टेज के अंदर एक एक करके हर एक बंदा जाएगा और उसका एक जो आधार वेरिफिकेशन का जो मेन पीपल रहता है उसके अंदर, तो उस स्टेज के अंदर एक फोटो क्लिक करेगा किसके तौर पे,
एक लॉग के तौर पर, मतलब इस बंदे ने अपना फोटो क्लिक करा लिया है तो फोटो जाके एक लॉग में सेव होगा, ओके। तो गवर्नमेंट को पता चलेगा भाई इसने इसका फोटो क्लिक किया है, ओके। तो उस लॉग के अंदर अगर किसी का फोटो नहीं है तो उसका मतलब अभी तक इसने फोटो क्लिक नहीं किया, ओके। सो सेम अभी हमने एक फाइल क्रिएट किया, मतलब वो जो लाइन था ना आधार वेरिफिकेशन के लिए, वो लाइन का जो एक एक पीपल है वो एक एक पीपल हमारा एज अ फाइल काम करेगा। मतलब अभी इन्हें अभी हमने एक फाइल या फोल्डर बनाया है, तो फाइल वो लाइन के अंदर है, ओके। ना हम लोग जब जब तो जब हम लोग गिट ऐड कर रहे हैं तो मतलब हम लोग बुला रहे हैं भाई तुम स्टेज में आ जाओ, ओके। गिट ऐड हमने किया था ना, गिट ऐड डॉट डॉट मतलब हमने जो कुछ भी फाइल चेंजेस है सबको मैंने बुला लिया, ओके। एंड अगर मैं सिर्फ और सिर्फ गिट ऐड एंड फाइल का नेम रीडमी डॉट एम डी लिखूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइल को मैं स्टेज के अंदर बुला रहा हूँ, ओके। सो हमने गिट ऐड डॉट करके हमने एक फाइल को स्टेज के अंदर बुला लिया, मतलब एक पीपल स्टेज के अंदर आ चुका। अभी हमको उसको फोटो क्लिक करना, तो फोटो क्लिक करने के लिए कमिट, ओके, एंड कमिट डैश एम दे देना, ओके। एंड नेक्स्ट आपका एक मैसेज होगा, तो आप एक फोटो क्लिक कर रहे हो, तो फोटो क्लिक करने के समय आपने एक लॉग बोल दिया कि इस बंदे का हमने फोटो क्लिक किया। कौन सा था हमारा फाइल? रीडमी डॉट एम टी, हमने इस फाइल का फोटो क्लिक किया है, एडिट, हमने एक मैसेज लिख दिया जिससे हमें बाद में पता चले हमने क्या किया था, ओके। एंड हिट एंटर। सो ये बोल रहा है कि हमने एक फाइल चेंज किया है, मतलब हमने एक फाइल बनाया है जिसके अंदर जीरो इंसर्शन एंड जीरो डिलीशन, मतलब इसके अंदर हमने कुछ इंसर्ट भी नहीं किया, कुछ भी डिलीट नहीं किया, क्योंकि हमारा एक एम्प्टी फाइल है, ओके। ना अगर मैं गिट स्टेटस करूं तो ये बोल रहा है नथिंग टू कमिट, मतलब हमने सब कुछ जो जो लाइन के अंदर था हमने सबका फोटो क्लिक कर लिया, ओके। आई होप आपको समझ में आया है कि एग्जांपल बहुत इजी है। एक आधार वेरिफिकेशन सेंटर है जिसके अंदर हम लोगों ने एक लाइन क्रिएट किया है, एंड जो हमारा आधार वेरिफिकेशन सेंटर के अंदर जो हमारा सर रहता है वो हम लोगों को एक एक करके बुला रहा है, गिट ऐड डॉट करके, ओके। गिट ऐड देन फाइल का नेम, वो फाइल हमारा स्टेज में जा रहा है, स्टेज में जाने के बाद हम लोग उसका फोटो क्लिक कर रहे हैं यूजिंग कमिट कमांड, ओके। हो गया इतना, तो हमने अभी एक फोटो क्लिक किया है। हमने बोला था एक लॉग होता है, मतलब हमने किस बंदे का फोटो क्लिक किया किस बंदे का नहीं क्लिक किया ये रहता है हमारे पास। तो गिट लॉग, लॉग हम तो बोल रहा है भाई ऑथर हमारा कृष्णेंदु है, उसका ईमेल आईडी ये है, इसने एक फोटो क्लिक किया था रिडमी एडिट का, कब? संडे को, ओके। संडे टाइम हमारा एंड आईएसटी टाइम जोन, ओके। तो हमको लॉग के अंदर दिखाई दे रहा है कि हमने क्या चेंजेस किया, ओके। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हमने एक फाइल बनाया रीडमी करके उस फाइल के अंदर चेंज करेंगे, तो वी आई रीडमी डॉट एम पी, आप सी वी एडिटर के अंदर आप चेंज कर सकते हो, मैं वी आई एडिटर यूज कर रहा हूँ। एंड इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक रिडमी मैं लिख देता हूँ, लाइक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, ओके। सो दिस इज माय कमांड, सॉरी दिस इज माय मैसेज इनसाइड माय रिडमी, ओके। मैं इसको सिंपली सेव कर देता हूँ, ओके। हमने इसको सेव कर दिया। गिट ऐड मैं बोल रहा हूँ भाई तू स्टेज एरिया में आ जा, मैं तेरा एक फोटो क्लिक कर दूंगा, ओके। तो गिट हमारा, अगर मैं इसको स्टेटस करूँ, सॉरी गिट स्टेटस, एंड गिट अभी हमारा रिडमी को स्टेज एरिया में बुला लिया है, ओके। ना अभी इसका हम लोग एक फोटो क्लिक कर सकते, अभी हम लोग फोटो क्लिक नहीं करना चाहते,
बाय मिस्टेक हमने एक फोल्डर को बुला लिया है, मतलब एक फाइल को हमने बुला लिया है स्टेज के अंदर, हम नहीं चाहते कि उसका फोटो क्लिक हो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिट रिस्टोर स्टेज, हम लोग स्टेज को रिस्टोर कर रहे हैं कौन से फाइल के लिए, रीडमी फाइल के लिए। तो अगर मैं फिर से गिट स्टेटस करूं तो ये अभी हमारा ऑन स्टेज एरिया में है, नॉट स्टेज फॉर कमिट। अभी हम लोगों ने फिर से उसको बोला कि तू लाइन में जा, तेरा बाद में फोटो हम लोग क्लिक करेंगे। ओके, रेड में भी दिखा रहा है कि मॉडिफाइड रेडमी डॉट md। ओके, तो इस तरीके से हम लोग रिस्टोर भी कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये पता चल गया होगा। एंड मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको ऐड कर देता हूँ, गिट ऐड, गिट मैंने स्टेज में बुला लिया है, ऐड गिट कमिट, मैं इसका भी एक फोटो क्लिक कर रहा हूँ, मैंने जो लाइन ऐड किया था उसका भी एक फोटो मैं सिंपली क्लिक कर लेता हूँ, रीडमी मॉडिफाइड। ओके, नाउ अभी बोल रहा है वन इंसर्शन, मतलब वन लाइन हमने इंसर्ट किया था, हमने देखा था कि कौन सा लाइन हमने इंसर्ट किया था, सेम। ओके, नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग समझेंगे कि स्टैश क्या होता है, स्टैश क्या होता है। तो अभी हमारे पास गिट लॉग में अगर करूं तो हमारे पास दो सिंपल कमिट है। ओके, हमारे पास दो सिंपल कमिट है। अगर मैं चाहता हूं कि इस कमिट के अंदर मैं बैक जाऊं, ओके, तो ये मैं कैसे कर सकता हूं, इसको मैं कैसे कर सकता हूं। तो इसको करने के लिए आपको सिंपली मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं एक और से डिलीट कर देता हूं रीडमी को। ओके, तो rm if readme.md, तो मैंने readme को डिलीट कर दिया। तो नाउ गिट स्टेटस बोल रहा है डिलीटेड readme.md। ओके, सो डन। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक और फोल्डर हम लोग ऐड कर रहे हैं, लाइक टच लेट्स से यूट्यूब डॉट txt, हमने YouTube.txt बना लिया है। अभी हम लोग गिट स्टेटस, सॉरी गिट स्टेटस, एंड अभी बोल रहा है कि हमने एक फाइल डिलीट किया है, हमने एक फाइल बनाया है। ओके, नाउ अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि तुम लोग जो जो चेंजेस हुआ है तुम लोग स्टेज के अंदर आ जाओ, गिट ऐड स्टेज के अंदर आ गया। ओके, ना अभी हम लोग क्या करना चाहते हैं कि गिट लॉग, अभी हम लोग इस कमिट के अंदर बैक जाना चाहते हैं। ओके, मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ, एंड गिट स्टेटस। सो गिट स्टेटस के अंदर बुला रहा है कि हमने सिंपली दो फाइल को स्टेज के अंदर बुला लिया है। ओके, बट मैं इसका फोटो क्लिक नहीं करना चाहता। ओके, मैं तेरा बाद में फोटो क्लिक कर दूंगा। ओके, तू अभी बैक स्टेज के अंदर चला जा। मैं ये करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैंने बाय मिस्टेक मैं ये चेंजेस कर दिया है। ओके, मैं चाहता हूँ उस पहला जो हमारा उस कमिट के अंदर जो हमारा स्नैप हमने क्लिक किया था उस स्नैप के अंदर हम लोग बैक जाए। तो ये करने के लिए आपको सिंपली करना होगा गेट रीसेट, बट रीसेट के बाद आपका एक आईडी जरूरत होगा, मतलब हम लोग कौन से कमिट के अंदर बैक जाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं इस कमिट के अंदर बैक जाना चाहता हूँ जहां पे हमने एक रीडमी डॉट एम डी बनाया था। क्लियर, गिट सॉरी रीसेट, सो गिट रीसेट। ओके, देन उस आईडी का आपको पेस्ट करना है। ओके, मैंने लंबा चौड़ा एक कॉपी कर लिया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ आईडी को कॉपी करना है। ओके, एंड मैं जो कुछ भी बात में है उसको डिलीट कर देता हूँ, तो हमारा गिट रीसेट देन उसका आईडी सिंपल, एंड हिट एंटर।
तो अभी बोल रहा है ऑन स्टेज चेंज आफ्टर रिसेट। तो अभी हमारे पास ऑन स्टेज के अंदर आ चुका है रीडमी डॉट एम डी। ओके ना, मैं बोल रहा हूँ कि रीडमी डॉट एम डी को तुम स्टेज के अंदर बुलाओ। तो मैंने सिंपली हिट ऐड कर दिया है। एंड मैं बोल रहा हूँ अभी हमारे पास जो जो स्टेज के अंदर है, ये जो यूट्यूब हमारे स्टेज के अंदर है, उसको मैं बोल रहा हूँ तुम बैक स्टेज के अंदर चले जाओ। उसको बोलने के लिए आपको सिंपली स्टैश, सिंपली आप एक बार इस फाइल को देखो, हमारा रेडमी बैग आ चुका है। एंड हमारे पास जो जो यूट्यूब करके एक टीएक्सटी था, वो हमारा बैक स्टेज में चला गया। ओके नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, लॉक करेंगे गिट लॉक। नाउ अभी हम लोग देख पा रहे हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कमिट है, हम लोगों ने बैक कर लिया है सक्सेसफुली। कहाँ पे? हमने जब रीडमी को ऐड किया था उस सिचुएशन के अंदर, उस स्नैप के अंदर हमने सिंपली बैक कर लिया है। ओके हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमने सक्सेसफुली बैक किया है या नहीं? मैं क्या करता हूँ भी, तो मैं क्या करता हूँ वी आई रीडमी डॉट एम डी। देखो हमारे पास एक भी लाइन नहीं है, हमने ऐड किया था थैंक्स फॉर वाचिंग एंड देन स्माइली, तू नहीं है हमारे पास। तो हम लोगों ने उस कमिट के अंदर जब हमने जस्ट ऐड किया था और जस्ट हमने रीडमी को क्रिएट किया था, उस वाले स्नैप के अंदर हमने बैक कर लिया है। ओके दिस इज हाउ स्टैट्स वर्क। एंड हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और चीज भी हम लोग कर सकते हैं कि स्टैश हमने बैक स्टेज के अंदर बोल दिया भाई तू चला जा, मैं उसको बैग भी ला सकता हूँ। कैसे? गिट स्टैश पॉप। देखो आ चुका है हमारा यूट्यूब। ओके नाउ अभी हम लोगों को क्या करना होगा, हमारे पास यूट्यूब सिंपली आ चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको फिर से एक बार उस सिचुएशन में मैं बैक जाता हूँ गिट लॉग। हमारे पास ये जो सिचुएशन है, मैं सिंपली गिट ऐड डॉट गिट स्टैश, मैं सिंपली अगेन रीडमी डॉट एम डी के अंदर बैक आ चुका हूँ। ओके इन दिस कमिट, ओके इस कमिट के अंदर मैं सिंपली बैक आ चुका हूँ। ओके नाउ हमारे पास बैक स्टेज के अंदर एक फाइल है, मैं उसको बोलना चाहता हूँ तू भाग जा यहाँ से, मैं तेरा फोटो नहीं क्लिक करूंगा। तो ये हम लोग कैसे बोलेंगे, तो गिट स्टैश क्लियर, स्टैश के अंदर जो कुछ भी है वो क्लियर हो जाएगा। ओके दिस इज हाउ गिट स्टैश वर्क्स। ओके हमने कुछ चेंजेस किया था, हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग उसको स्टोर करें। मैं सिंपली बोल रहा हूँ अगर मेरा जरूरत होगा तेरा तो मैं तुझे बुला लूंगा, तो अभी के लिए तू बैक स्टेज में चला जा। ओके दिस इज हाउ स्टैश वर्क। एंड हम लोग इस तरीके से रिवर्ट कर सकते हैं, बैक जा सकते हैं कमिट के अंदर। ओके कमिट के आईडी को यूज करने के बाद, तो नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा गिटहब को देखेंगे कि गिटहब क्या चीज है। हमने तो गिट को देख लिया, थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है हमने कैसे फाइल्स को मेंटेन करना है, कैसे आपको स्टेज एरिया में जाना है, आपको कैसे उसका एक फोटो क्लिक करना है। ओके नाउ व्हाट इज गिटहब। गिटहब हमारा एक रिमोट रिपोजिटरी बना के देता है, मतलब ये तो हमारे पास एक लोकल रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी मतलब सिंपली एक फोल्डर, गिट के भाषा में रिपोजिटरी मतलब फोल्डर, गिट फोल्डर को रिपोजिटरी बोलता है, रिपोजिटरी और रेपो शॉर्ट में रेपो। ओके सो हम लोग क्या करेंगे, इस जो हमारा गिटहब है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम लोग रिपोजिटरी बना सकते हैं, कोलैब कर सकते हैं दूसरे पीपल्स के साथ, दूसरा पीपल हमारे कोड के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है। जो हमारा हैक्टोवर फेस चल रहा है, जो हमारा बहुत कुछ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होता है, हम लोग जो सबमिट करते हैं, जब जो कुछ भी हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उसको कंट्रीब्यूट हम लोग गिटहब के थ्रू करते हैं, गिटहब हम लोग के ए प्रोवाइड करता है। ओके
तो हम भी हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एक रिपोजिटरी बना सकते हैं, उसके अंदर हमारा जो कोड लोकल के अंदर जो हमारा कोड है उसको कैसे हम लोग डाल सकते हैं। ओके, तो इसको करने के लिए आपको सिंपली एक गिटहब अकाउंट क्रिएट कर लेना है आपको सिंपली। अगर मैं गिटहब के अंदर जाऊं, गिट हब, आप कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपली साइन इन या साइन अप कर लेना है आपके डिटेल्स के साथ। आपको आपका ईमेल आईडी एंड जो कुछ भी चाहता है आपको सिंपली प्रोवाइड करना है, एंड आपके लिए ये एक अकाउंट क्रिएट करके देगा। नाउ आपको सिंपली इस न्यू के अंदर क्लिक करना है, एंड न्यू के अंदर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली रिपोजिटरी बनाने के लिए बोल रहा है। तो अभी आप सिंपली एक रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हो। मैं एक डेमो रिपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ, एंड इसके अंदर मैं इसको पब्लिक करता हूँ, एंड प्राइवेट मैं ना करके इसको मैं पब्लिक कर दिया है। एंड सिंपली मैं इसके अंदर रीडमी फाइल अभी तक मैं अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ। ओके, मैं खुद से ऐड कर सकता हूँ। ओके, तो इसीलिए मैं रीडमी को ऐड नहीं कर रहा हूँ। एंड ये हमारे लिए एक फोल्डर या रिपोजिटरी या रेपो क्रिएट करके दिया है। तो अभी हम लोग इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? हमारा लोकल फोल्डर के साथ, लोकल रेपो के साथ। तो इसको कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा कि सिंपली तो आपने ये कर लिया है, एंड आपके पास जो कुछ भी इधर आ रहा होगा, ओके, आपको ये करना है। हमने ऑलरेडी कर लिया है, गिट इनिट, मतलब एक ट्रैकर हम लोगों ने लगाया है, एक एमडी फाइल बनाया है हमने, उसके बाद एक सॉरी इधर हमने एक स्टेज एरिया में बुलाया है, उसमें हमने एक फोटो क्लिक किया था। ओके, ये हमने कर लिया है। सो अभी हम लोगों को क्या करना होगा? गिट रिमोट ऐड। तो मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ? मैं एक ओरिजिन को सेट करना चाहता हूँ। ओरिजिन मतलब ओरिजिन, ओरिजिन हमारा है, हमारा ये यूआरएल। ओके, तो मैं इस यूआरएल को, मैं इस हमारा जो लोकल ब्रांच है, मतलब हमारा पास जो लोकल फोल्डर है उसके साथ मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। हिट एंटर, यानी ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा। नाउ मैं चाहता हूँ जो कुछ भी हमारा इधर है, हमने उसका एक फोटो क्लिक कर लिया, हमने गिट के अंदर सब कुछ सक्सेसफुली इमेज कर लिया, इमेज को स्टोर कर लिया है स्टेज के अंदर लाके, उसको इमेज हमने क्लिक कर लिया। मैं चाहता हूँ जो कुछ भी हमने चेंजेस किया है, जो हमारा गिट लॉक है, जो कुछ भी हमने इधर चेंज किया है, ये हमारा ये जो रिपोजिटरी है इसके अंदर चला जाए। इसको करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा? सिंपली गिट पुश। पुश मतलब जो कुछ भी कोड है मैं उसको पुश करना चाहता हूँ, अपलोड करना चाहता हूँ। कहाँ पे? ओरिजिन के अंदर। कौन से ब्रांच के अंदर? अभी ब्रांच क्या होता है, मैं अभी इस कमांड के बाद मैं आपको ब्रांच समझाऊंगा। तो प्लीज अभी जस्ट देख लो कि आपको लिखना है मास्टर। ओके, मास्टर अभी मैं हमारे लोकल रिपोजिटरी के अंदर, हम लोग मास्टर के अंदर है, ये जो मास्टर दिखा रहा है, तो मैं सिंपली इस मास्टर के अंदर मैं पुश करना चाहता हूँ, या आप मेन भी लिख सकते हो। मास्टर मैं अभी के लिए लिख रहा हूँ। ओके, मैं सिंपली मास्टर हमारा जो लोकल ब्रांच है उसमें से हमने जो हमारा ऑनलाइन रिपोजिटरी है उसके मास्टर के अंदर हमने इसको सक्सेसफुली अपलोड कर दिया। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो हमारे पास readme.md शो कर रहा है। इस तरीके से हमारा गिट पुश काम करता है। हमने सक्सेसफुली एक फाइल को अपलोड कर दिया है ना। अभी हम लोग देखने वाले कैसे हम लोग ब्रांच, जो हमारा जो ये ब्रांच ये सब क्या है। ओके, तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, मैं उसका यूआरएल आई गेस यस दिस वन। सो इस वेबसाइट के थ्रू हम लोग इजीली समझ जाएंगे कैसे हमारा ब्रांचिंग काम करता है, कैसे कमिट काम करता है, बहुत कुछ हम लोग इजीली समझ जाएंगे। तो अभी हमारे पास एक कमिट है C0 C1। ओके, हम लोगों को एक और कमिट करना, गिट कमिट। तो हमने एक और कमिट कर दिया। ओके,
Now, I want to create a branch. So what is branch? अभी हमारा एक पॉइंटर है मेन, हम लोग चाहते हैं एक और पॉइंटर हो जाए इस सी टू के अंदर। हम लोग कैसे कर सकते हैं? गेट ब्रांच, देन ब्रांच का नेम मैं चाहता हूँ क्रिश्चियन। तो इधर एक और ब्रांच क्रिएट हो चुका है। ओके, सो अभी हम लोगों के पास दो ब्रांच है। ब्रांच मतलब मैं चाहता हूं कि इस रिपोजिटरी के अंदर मैं काम करना चाहता हूं। मैं डायरेक्टली तो मेन के अंदर चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मेन में भी डेवलपमेंट के लिए या कहीं पे ये वेबसाइट के अंदर ये मेन काम कर रहा है, प्रोडक्शन लेवल के अंदर हमारा मेन काम कर रहा है। हम लोग डायरेक्टली मेन के अंदर तो चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं कुछ भी रॉन्ग चेंज कर देता हूँ तो वो जो डेवलप जहां पे हुआ है, जहां पे ये प्रोडक्शन के अंदर, जहां पे वेबसाइट या कुछ भी है, उसके अंदर डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। अगर ये चेंज हो जाए तो बहुत ज्यादा, अगर कुछ भी मेलिशियस या कुछ भी एरर हुआ मेरे कोड के अंदर, तो वो प्रोडक्शन फेल कर जाएगा, वो हमारा वेबसाइट फेल कर जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा एक डेंजरस चीज है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी चेंज मैं करना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले एक ब्रांच के अंदर, अलग एक ब्रांच के अंदर चेंजेस करने के बाद उसको मैं मर्ज कर देता हूँ मेन के साथ, अगर सब कुछ सही रहा तो। ओके, तो इसीलिए हम लोग एक ब्रांच क्रिएट कर लिए हमने कृष्णेंदु नाम का। ओके, मे बी कैरेक्टर लिमिटेशन के लिए लास्ट का यू नहीं लिया है। ओके, इट्स ओके। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे। तो हमारा जो मेन है उसके अंदर एक शार्ट, मतलब अभी हमारा जो हेड है वो मेन के अंदर। ओके, हम लोग चेंज कहाँ करना चाहते हैं? कृष्णेंदु के अंदर। तो हेड का हम लोगों को कृष्णेंदु के अंदर लाना होगा। सो गेट चेक आउट कृष्णेंदु, मे बी डी। सो नाउ अभी हमारा कृष्णेंदु के अंदर स्टार आ चुका है, मतलब हमारा हेड कृष्णेंदु को टारगेट कर रहा है। ओके, अगर अभी मैं चेंज कुछ भी चेंज करता हूँ गिट कमिट, तो नाउ अभी देखो कि हमारा कृष्णेंदु ब्रांच आगे चला गया, लेकिन हमारा ब्रांच जो मेन ब्रांच है वो पीछे है। मतलब जहां तक हमारा कोड सब कुछ ठीक है, उधर तक हमारा मेन है। एंड अगर मैं कुछ भी नया फीचर ऐड कर रहा हूँ वो मैं मेरे ब्रांच के अंदर ऐड कर रहा हूँ, जो ब्रांच हमारा आगे चला जा रहा है। अगर मैं फिर से एक और कमिट करता हूँ तो फिर से एक और हमारा कमिट क्रिएट हो चुका है इस ट्री के अंदर। ओके, ये हो सकता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर काम नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। किसी ने खुद का जो कोड है उसको मेन के साथ मर्ज कर दिया, मतलब तो उसका कोड सही है, हमने चेक कर लिया है, हमारा जो मेंटेनर है चेक कर लिया है, एंड उसने क्या क्या मेन के साथ मर्ज कर दिया, एंड मर्ज आगे चला गया। ओके, लेट मी फर्स्ट चेक आउट मेन। ओके, एंड मेन के अंदर एक मैंने बोला चेंज हो चुका है, तो गिट कमिट हुआ है, देखो आप मेरा ब्रांच लेफ्ट में जा रहा है, मैंने जहां से स्टार्ट किया था उधर से मैं लेफ्ट में एक काम कर रहा हूँ, मैं भी एक फीचर ऐड कर रहा हूँ, एंड किसी ने एक फीचर ऑलरेडी ऐड करके मर्ज कर दिया है मेन के साथ। ओके, तो मेन का एक अलग ब्रांच पूरा साइड में चला गया, एंड हम लोग जिस जिस फीचर के अंदर काम कर रहे हैं वो हमारा लेफ्ट साइड में चला गया। तो एक तरीके से ये सिंपल हो चुका है कि मैं एक फाइल के अंदर काम कर रहा हूँ, एंड ये अलग मैं कुछ भी चेंज करूंगा तो मेरे जो मेरा जो एक ब्रांच होगा उसके अंदर चेंज होगा। ये डायरेक्टली मेन को इफेक्ट नहीं करेगा। अगर मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, मान लीजिए मेरा C4 तक मेरा काम था कृष्णेंदु का, उसने कंप्लीट कर लिया, अभी वो चाहता है कि मेन के साथ वो मर्ज हो जाए, उसने गिट पुल रिक्वेस्ट एक भेजा है। पुल रिक्वेस्ट क्या होता है मैं आपको सिंपली दिखाऊंगा, कि एक रिक्वेस्ट होता है कि मैंने मेंटेनर को एक बोला
बोला है कि भाई मेरा कोड आप एक बार चेक कर लो, एंड अगर सही हुआ तो मेन के साथ मर्ज कर दो। ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ अभी, मैं सिंपली मर्ज कर रहा हूँ एज अ मेंटेनर। मैंने एज अ मेंटेनर चेक कर लिया क्रिश्चियन ब्रांच के अंदर जो कुछ भी चेंजेस किया है कोड के अंदर, सब कुछ सही है। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी हमने चेंज किया है क्रिश्चियन ब्रांच के अंदर वो मेन के अंदर मर्ज हो जाए, मतलब मेन के अंदर ऐड हो जाए। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, गिट मर्ज, किसको मैं मर्ज करना चाहता हूँ, कृष्ण को, सिंपली हिट एंटर, ये देखो सिंपली मर्ज हो चुका। इस तरीके से हमारा गिटहब एंड ब्रांचिंग काम करता है। ओके, आई होप आपको ये पता चल गया। मान लीजिए इसके बाद एक और कमिट हुआ मेन के अंदर, गिट कमिट, इस तरीके से मेन आगे चलता जाएगा। किसी ने एक और ब्रांच क्रिएट किया, लाइक गिट ब्रांच मे बी अनुराग, देखो एक अनुराग के अंदर एक अनुराग नाम का एक ब्रांच क्रिएट हो चुका है, एंड अगर मैं गिट चेक आउट अनुराग, तो अनुराग के अंदर हमारा हेड चला गया, मतलब स्टार्ट चला गया। मैं गिट कमिट, तो देखो अनुराग का जो ब्रांच है वो आगे चलता जा रहा है। सो दिस इज आवर ब्रांच वर्क इन गिटहब एंड गिट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे हमारा ब्रांचिंग एंड ये सब काम करता है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम अ ब्रांच। ओके, हमारे पास एक डेमो फाइल है। ओके नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हमने तो उस वेबसाइट के अंदर एक ब्रांच क्रिएट किया था, अभी इसके अंदर मैं एक ब्रांच क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। तो क्रिएट ब्रांच मे बी कृष्णेंदु वन, ओके, एंड मैं गिट चेक आउट, हमारा हेड आ जाए कृष्णेंदु वन के अंदर। तो देखो हमारा पहले मार्शल था, मैंने चेकआउट किया, उसके बाद हमारा हेड आ गया है कृष्णेंदु के अंदर। ओके, समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने अभी एक ब्रांच क्रिएट कर लिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक चेंज मैं इसके अंदर करता हूँ, वी आई रीडमी डॉट एम डी, एंड लेट्स से मैं इसके अंदर कुछ भी चेंज करता हूँ, हैशटैग कोडर वाले भैया। ओके, एंड मैं इसके अंदर सेव कर देता हूँ, एंड क्लियर गिट। अगर मैं गिट स्टेटस करूंगा तो ये अभी बोलेगा कि ऑन स्टेज एरिया के अंदर है, मैं इसको बोल रहा हूँ सिंपली स्टेज एरिया के अंदर आ जा, गिट एड डॉट मतलब जो कुछ भी फाइल चेंज हुआ है सब आ जा। राइट नाउ इसके बाद मैं बोल रहा हूँ इसका एक फोटो क्लिक कर ले, गिट कमिट एम, एंड इसका मैसेज होगा कि रीडमी डॉट एम डी लाइन एडेड। हो गया हमारा, एंड अभी हम लोग पुश करने वाले हैं हमारे रिमोट रिपोजिटरी के अंदर, मतलब इधर। अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जो कुछ भी चेंज हुआ है हमारा, अगर मैं इसको ओपन भी करूँ तो आप देखो कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी चेंज हुआ है हमारा लोकल रिपोजिटरी के अंदर हुआ है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि इसको मैं पुश करूँ, तो गेट पुश ओरिजिन कृष्णेंदु पुश हो चुका है। तो अभी मैं अगर इधर जाऊं तो सिंपली बोल रहा है कॉम्पेयर एंड पुल फ्रॉम कहां से, कौन से ब्रांच से, कृष्णेंदु वन से, मतलब हमारे पास एक और ब्रांच है। ओके, अगर मैं इसके अंदर सिंपली कॉम्पेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, मतलब मैंने एक मेंटेनर जो हमारा इस प्रोजेक्ट का जो मेंटेनर है जिसके बाद
ऑथराइजेशन है, उसको मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो कोड मैंने चेंज किया है उसको आप एक बार रिव्यू कर लो एंड आपका जो मेन ब्रांच है उसके साथ ऐड कर दो। इसके लिए मैं सिंपली बोल रहा हूँ, एक फाइल मैंने ऐड किया है, मतलब लाइन मैंने ऐड किया है, अगर आपको कुछ भी मैसेज या कमांड लिखना है तो आप इधर लिख सकते हो कि रीडमी डॉट एम बी वन लाइन एडेड, वो क्या है ये हैश टैग कोडर वाले भैया, क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट, सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट एंड नाउ अगर मैं इसको जो मैं मर्ज कर रहा था इसके अंदर मर्ज, तो मैं इधर कर सकता हूँ इस तरीके से गिट मर्ज। तो अगर मैं मर्ज कर देता हूँ तो हमारा क्या हो रहा था कि मेन के साथ मर्ज हो रहा था, तो अभी हमारे पास मास्टर है तो मास्टर के साथ इस सिंपली मर्ज हो जाएगा एंड आप सिंपली देख सकते हो कोडर वाले भैया हमारा आ चुका कोडर वाले भैया। अगर ये ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये अगर मैं इधर हैश लगा दूं तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इस तरीके से, एक टाइप का एरर बन जाता है, लेकिन कोड के अंदर मैं अगर जाऊं तो आप देख सकते हो सेम हमारा चेंज हो चुका है। ना अगर मैं एक और चेंज करता हूँ, मैं समझिए एक और चेंज करता हूँ वी आई फिर से रेडमी डॉट एम डी, मैं इसके अंदर चेंज करता हूँ कि थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके सो मैं इसको सेव कर देता, क्लियर। ओके मैंने इसको सिंपली सेव कर दिया। अभी हमको इसको बोलना है कि तू एक बार स्टेज के अंदर आ जा, मैं एक तेरा फोटो क्लिक कर देता हूँ। हिट कमिट एम, फोटो के अंदर क्या है न्यू लाइन एडेड, उस न्यू लाइन के अंदर मैंने क्या बोला था थैंक्स, मैंने ये कर लिया है एंड गिट लॉक के अंदर मैं जाऊं तो हमारा ये कमिट सक्सेसफुली इधर शो कर रहा है लॉक के अंदर। तो अभी तक मैंने सिंपली इसको पुश नहीं किया है, गिट पुश ओरिजिन कृष्णेंदु वन। ओके तो कृष्णेंदु वन के अंदर पुश हो चुका है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये हमारा अगर मैं कृष्णेंदु के अंदर जाऊं तो ये हमारा दिखाएगा वन कमिट अहेड। तो इसके अंदर भी क्लिक करके आप सिंपली एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो। ओके तो इधर दिखाई दे रहा है कि हमारा एक लाइन ऐड हुआ है, वो है हमारा थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट न्यू लाइन एडेड, ओके क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट एंड ये हमारा शो कर रहा है। अभी हम लोग देख सकते हैं इस पुल रिक्वेस्ट के अंदर कि वन फाइल चेंज। ओके सो कमिट के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा एक न्यू लाइन ऐड हुआ है थैंक्स। ना अभी मैं बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं कि व्हाई यू शुड नॉट मेक कमिट फ्रॉम वन ब्रांच। आपने अगर एक पुल रिक्वेस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है और उसी ब्रांच के अंदर अगर मैं एक और बार चेंज करता हूं तो ये क्या होता है, मैं सिंपली दिखाता हूं। वी आई और टच डॉक्यूमेंट डॉट टी एक्स टी मैंने चेंज कर दिया, गिट एड मैंने इसको स्टेज एरिया के अंदर बुला लिया है एंड कमिट मैं इसका एक फोटो क्लिक कर लेता हूँ एंड डॉक्यूमेंट डॉट टी एक्स टी एडेड। नाउ अभी मैं क्या करता हूँ, गिट पुश ओरिजिन कृष्णेंदु वन। तो अभी आप देखना इधर एक कमिट है, पुल रिक्वेस्ट के अंदर एक कमिट है। ओके नाउ हिट एंटर, ये कंप्लीट हो चुका है। अभी देखो हमने पुल रिक्वेस्ट किया था इस थैंक्स के लिए, लेकिन इधर आ गया है कि हमारा
डॉक्यूमेंट और टीएक्सटी एडिट, ये तो होना नहीं चाहिए था। आपने एक फीचर के अंदर काम कर लिया, उसका मैंने पीआर दे दिया, मतलब पुल रिक्वेस्ट दे दिया है। अगर मैं दूसरे किसी फीचर के अंदर काम कर रहा हूँ, वो भी हम लोग अगर सेम ब्रांच के अंदर करें, तो ये हमारा प्रॉब्लम आ जाएगा इधर। मतलब अगर मैं एज अ मेंटेनर मैं ये करता हूँ, तो आप देखो दो फाइल के अंदर चेंज हुआ है, मुझे रिव्यू करना होगा दो फाइल। सो मेक श्योर कि आप एक फीचर के लिए एक ब्रांच क्रिएट कर लो। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम। सो हर एक बार एक फीचर के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, तो एक न्यू ब्रांच क्रिएट कर लो, उसके अंदर चेंजेस करके उसका आप पुल रिक्वेस्ट सिंपली दे दो, तो दूसरा एक और पुल रिक्वेस्ट आ जाएगा उस फीचर के लिए। अगर आप एक ही ब्रांच के अंदर करोगे, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा। जो हमारा मेंटेनर होगा, वो उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा ऐसा इसको रिव्यू करना। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा ऐड हो चुका है, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। उसको करने के लिए आपको पता है स्ट्रैश करना होगा। अगर मैं गिट लॉग के अंदर जाऊँ, तो हमने ये किया था, तो इसको रिमूव करने के लिए इसका जो नीचे जो हमारा है, उसको कॉपी करना है। तो अगर मैं इसको कॉपी करके इस कमिट के अंदर आ जाऊँ, तो ये वाला हमारा चला जाएगा। हाउ वी कैन डू दैट, गेट रीसेट एंड उसका आईडी, सॉरी मैंने गलती से पूरा जो इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ हर बार। सो अभी आपको करना है गिट रीसेट एंड जो हमने कॉपी किया था ना, ये वाला, इसको मैं सिंपली है पेस्ट कर देता हूँ। ओके, आईडी को एंड हिट एंटर, हो गया हमारा सिंपली। अगर मैं गिट स्टेटस के अंदर जाऊं, तो ये बोलेगा हमारा डॉक्यूमेंट अनस्टेज एरिया के अंदर है, तो मैं इसको गिट ऐड कर देता हूँ एंड गिट स्टैश मैं बोला तू बाहर चला बैक स्टेज के अंदर। ओके, हमने बैक स्टेज के अंदर उसको भेज दिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक पुश करेंगे कहाँ पे, हमारे कृष्णेंदु ब्रांच के अंदर। तो गिट पुश ओरिजिन, ओरिजिन मतलब हमने जो ओरिजिन सेट किया था ना, जो ये लिंक है, जो ये जो फोल्डर का जो लिंक है हमारे पास, इसका जो हमने ओरिजिन सेट किया था, उसके अंदर कृष्णेंदु ब्रांच के अंदर, कृष्णेंदु वन ब्रांच के अंदर मैं चेंज करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं ये करूँ, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे लोकल ब्रांच के अंदर एक कमिट नहीं है, जो कमिट हमारा इधर है। ओके, मतलब हमारा जो ऑनलाइन रिपोजिटरी है, उसके अंदर एक ऐसा कुछ कमिट है, जो कमिट हमारा लोकल ब्रांच के अंदर नहीं है, लोकल रिपोजिटरी के अंदर नहीं है। उसको करने के लिए आपको सिंपली फोर्सफुली करना होगा, तो डैश इट फोर्सफुली मैं चाहता हूँ ये पुश हो जाए। तो सिंपली पुश हो चुका है। अगर मैं इसके अंदर क्लिक करूँ, जो पीआर हमने किया था उसके अंदर, अभी आप देखो कि अगर, तो अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक फाइल के अंदर चेंज हुआ है। जो हमारा सेकेंड जो डॉक्यूमेंट ऐड था, वो सिंपली रिमूव हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत सिंपल एक चीज है। डू मेक श्योर कि आप हर एक फीचर के लिए एक न्यू ब्रांच क्रिएट करें। ओके ओके, आई होप आपको ये समझ में आ चुका है ना। अभी मान लीजिए मैं एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर किसी के फाइल के अंदर मैं कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। ओके ओके, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता। वाई? हमारे पास एक रिपोजिटरी है, कोडर वाले भैया का एक रिपोजिटरी है, जो मैं ही हूँ। एक दूसरा एक अकाउंट, मतलब दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अंदर एक टेस्ट रिपो है। मान लीजिए आप लोग चाहते हो इस रिपो के अंदर कंट्रीब्यूट करना, आप कैसे कर सकते हो?
तो इसको करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, इसको फोर्क करना होगा। व्हाई व्हाई क्यों मैं फोर्क करूं इसको? ओके, यू कांट चेंज डायरेक्टली इन दिस रिपोजिटरी। आप डायरेक्टली इस रिपोजिटरी के अंदर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास इस बंदे का, जो कोरियर वाला भैया आया है, उसका लॉगिन क्रेडेंशियल आपके पास नहीं। आप डायरेक्टली इसके अंदर चेंज नहीं कर पाओगे, तो इसको अपना बनाने के लिए, मतलब ये जो रेपो है, टेस्ट रेपो, इसको खुद का रेपो बनाने के लिए आपको सिंपली इसको फोर्क करना होगा। ओके, फोर्क मैंने किया एंड नाउ आप देखना ये जो यूआरएल है वो चेंज हो जाएगा। ये बोल रहा है कि कृष्णेंद्र रॉय का एक टेस्ट रिपोर्ट है, मतलब कृष्णेंद्र रॉय जो मैं हूं, जो आप होंगे, फोर्क करने के बाद उसके अंदर एक टेस्ट रिपोर्ट, मतलब मेरा खुद का एक रिपोर्ट है जिसके अंदर मेरा ऑथेंटिकेशन है, मैं उसके अंदर चेंज कर सकता हूँ क्योंकि उसका लॉगिन क्रेडेंशियल मेरे पास है। तो मैंने किसी का रेपो मेरे जो अकाउंट है उसके अंदर फोर्क कर लिया है, मतलब उसके अंदर मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। मतलब मेरा जो एक टेस्ट रेपो है उसके अंदर मैं चेंज कर सकता हूँ। लेकिन हाउ, इसको करने के लिए आपको सिंपली क्लोन करना होगा। तो क्लोन करने के लिए आपको सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं गिट बैश को ओपन कर लेता हूँ। ओके ओके, मैं इसको जूम कर देता हूँ। क्लियर। तो इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको कॉपी करना चाहता हूँ, क्लोन करना चाहता हूँ। गिट क्लोन देन यूआरएल वाला कॉपी हो चुका है हमारे पास। ठीक है, मैं सिंपली इसके अंदर चला जाता हूँ। इसके अंदर जो हमारा टेस्ट शेप होता है, टेस्ट देखो, तो टेस्ट शेप के अंदर मैं सिंपली आ चुका हूँ। ओके, इसके अंदर कुछ है, यस यस, रीडमी डॉट टी एक्स है, TXT, सॉरी। सो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि चेंज करता हूँ। ओके, रिडमी डॉट टी एक्स टी। ओके, सो इधर बोला है कि कोडर वाले भैया हेलो फ्रॉम अदर साइड। ओके, सो मैं इसके अंदर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं एक हाय, आई एम कृष्णेंदु रॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, कर लिया मैंने चेंज। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओ यस, इसको सेव करने के लिए आपको सिंपली ये कोलोन देना होगा, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा ये, देन डब्लू देन क्यू। ओनली क्यू मतलब क्विट, डब्लू मतलब सेव, क्यू मतलब क्विट, सेव करने के बाद क्विट हो जाओ। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं एक ब्रांच क्रिएट कर लेता हूँ। ब्रांच कृष्णेंदु, सॉरी, गिट ब्रांच कृष्णेंदु, टाइपो हो गया था। तो गिट चेक आउट कृष्णेंदु। ओके, हमारे पास एक अनस्ट्रेच एरिया के अंदर हमारा रीडमी डॉट ये है, तो मैं इसको सिंपली करता हूँ गिट एड रीडमी डॉट टी एक्स टी। रेडमी डॉट टी एक्स टी को मैंने स्टेज के अंदर बुला लिया है। मैंने इसका एक फोटो क्लिक करना है मुझे, सिंपली कमिट एंड रेडमी डॉट टी एक्स टी अपडेटेड। ओके, मैंने अपडेट कर दिया है। अभी मैं इसको पुश करूंगा किसके अंदर, किसके अंदर हमारा अभी ओरिजिन क्या है? अगर मैं सिंपली ये करने से पहले गिट ओरिजिन वी कर देता हूँ, सॉरी। सो इसको करने के लिए आपको सिंपली करना होगा गिट रिमूव वी। तो हमारे पास दो ओरिजिन है, कौन सा ओरिजिन? एक यूआरएल से हम लोग फेच कर सकते हैं, जो हमारा कृष्णेंदु का यूआरएल है रेपो का, एंड दूसरा है हमारा पुश, हम लोग इस रेपो के अंदर पुश का ओरिजिन है।
तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, गिट पुश, मतलब हमारा पुश वाले ओरिजिन को हम लोग कॉल करेंगे, तो ओरिजिन ओके देन ब्रांच कृष्ण। हो गया, सिंपली मैं जाता हूं इधर एंड ये बोल रहा है डेटा पुल रिक्वेस्ट। इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि कुछ चेंजेस हमने किया है। ओके, जस्ट क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट ना। अभी आप देखो कहां से कहां पुल रिक्वेस्ट जा रहा है। हमारा कृष्णेंदु रॉय 52 टेस्ट रेपो से, जो हमारा कृष्णेंदु का जो ब्रांच है वहां से हम लोग ये जो एरो दिखाई दे रहा है, कहां जा रहा है एरो, हमारा कोडर वाले भैया का जो टेस्ट रेपो है उसका जो मेन है उसके अंदर हम लोग मर्ज के लिए एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, मैं इधर एक लिख देता हूँ कि 1 लाइन एडेड। ओके, मैं क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट करता हूँ। ओके, हमने एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दिया। अभी हम लोग है कोडर वाले भैया का जो रेपो है उसके अंदर। सो अगर मैं इस फोर्क को मैं ओपन करूं, तो समथिंग न्यू एग्जिस्टिंग फोर्क, सॉरी एग्जिस्टिंग फोर्क एंड इसको मैं जाता हूँ। ओके, तो अभी हमने जो हमने चेंजेस किया था कृष्णेंदु के अंदर, लेट सी कि हमने कृष्णेंदु के अंदर हाई आई एम कृष्णेंदु रॉय ऐड किया था। हमने एक पुल रिक्वेस्ट जो ओरिजिनल हमारा जो ये जो ब्रांच है कोडर वाले भैया का, उसके अंदर हमने एक मार्च के लिए पुल रिक्वेस्ट कर दिया। इसके अंदर मैंने बोला है कि मैंने 1 लाइन ऐड किया है, आप एक बार रिव्यू करके इसको ऐड कर दो। ओके, तो मैं सिंपली इसको रिव्यू करता हूँ, कमिट हुआ एक, क्या हुआ है चेंजेस, फाइल फाइल के अंदर हाई आई एम कृष्ण रॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आया है। तो मैंने देखा ठीक है, सब कुछ तो सही है, मैं एज अ कोडर वाले भैया, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो तुमने जो पुल रिक्वेस्ट किया था मैं इसको सिंपली मर्ज कर देता हूँ। तो ये हमारा मर्ज हो चुका है, देख पा रहे हो आप, सिंपली इधर हमारा शो कर रहा है, हमने ऐड कर लिया ना। अगर मैं जाता हूँ हमारे रिपो के अंदर मेन ब्रांच के अंदर, तो आप देखोगे मेन ब्रांच के अंदर अभी कुछ भी चेंजेस रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा। हमने कृष्णेंदु के ब्रांच से किया था पुल रिक्वेस्ट, तो कृष्णेंदु के ब्रांच के अंदर ये चेंजेस है करेक्ट, लेकिन हमने मेन के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं किया, इसीलिए मेन के अंदर नहीं है। तो हाउ हम लोग इसको श्रिंक कर सकते हैं हमारे स्कूटर वाले भैया के साथ। मान लीजिए आपने सिंपली पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया, उससे पहले किसी ने एक और पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करके उसका मर्ज भी हो गया, आपको सिम करना है कि कोडर वाले भैया का जो रेपो था वो थोड़ा ऊपर चला गया, अभी हमको भी थोड़ा ऊपर जाना है, मतलब सेम लेवल में, उसके लिए आपको स्विंग करना है। ओके, तो स्विंग करने के लिए आपको सिंपली इधर स्विंग के ऊपर क्लिक करना है, स्विंग फोर, तो इधर दिखाएगा अपडेट ब्रांच, आप इधर डायरेक्टली कर सकते हो या फिर आप कोड के थ्रू कर सकते हो मैनुअल, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्लियर, अभी हम लोग हैं कृष्णेंदु के ब्रांच के अंदर जिसके अंदर अपडेट है, लेकिन मेन के अंदर अपडेट नहीं। गिट चेक आउट मेन। ओके, मैं सिंपली मेन के अंदर आ चुका हूँ, राइट, यस, मैं सिंपली मेन के अंदर आ चुका हूँ ना, मेन अभी अपडेटेड नहीं। ओके, गिट लॉग, देखो मेन अभी अपडेटेड नहीं। ओके, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मेन को अपडेट करना चाहता हूँ किसके साथ,
हमारे कोडर वाले भैया का रिपो के साथ। तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन चाहिए होगा, ऑप्शन मतलब जिसका ओरिजिनल जिसको आपने फोर्क किया था उसका रिपो, ऑप्शन मतलब ओरिजिनल रिपो का लिंक। ओके, इसको कैसे करें, आपको सिंपली करना है गिट रिमोट एड ओरिजिन, हम लोग कर रहे थे पहले, अभी आपको करना होगा ऑप्शन। देन अपस्ट्रीम करने के बाद इसका जो लिंक है कोडर वाले भैया का लिंक, नॉट मेरा लिंक, ऑब्वियसली कोडर वाले भैया का लिंक, जो हमारा मेन जिसको हमने फोर्क किया था उसका रेपो को आपको सिंपली उसका लिंक कॉपी एंड पेस्ट एंड डन। अभी आप अगर गिट रिमोट भी करोगे तो आपके पास एक ओरिजिन होगा, ओरिजिन मतलब आपका खुद का रेपो का जो लिंक एंड अपस्ट्रीम लिंक, मतलब आपका जो जिस बंदे से आपने फोर्क किया है उसका लिंक है। ओके, देखो कोडर वाले भैया का लिंक है और ओरिजिन के अंदर हमारा कृष्णेंदु का लिंक है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा ना। अभी तक हमने इसको सेम नहीं किया, श्रिंक नहीं किया, अगर मैं लॉक करूं तो श्रिंक नहीं हुआ, तो श्रिंक करने के लिए आपको लिखना होगा गिट फेच ऑल। ओके, जो कुछ भी चेंज हुआ है, जो कुछ भी नहीं चेंज हुआ, सब कुछ चला दो। फेचिंग फ्रॉम ओरिजिन, फेचिंग फ्रॉम अपस्ट्रीम, हमने सक्सेसफुली फेच कर लिया, लेकिन अभी तक हमने इसको मर्ज नहीं किया है। ओके, तो मर्ज करने के लिए आपको सिंपली करना होगा गिट रीसेट, मतलब हमने हेड को जो हमारा न्यू हमारा जो कमिट है उसके अंदर लाना होगा। इसको करने के लिए आपको रीसेट हार्ड एंड देन अपस्ट्रीम मेल। ओके, जो हमने अपस्ट्रीम का जो मेन का जो लास्ट कमिट है उसके अंदर हमने हेड को रीसेट कर दिया। नाउ अगर मैं पी आई रीडमी डॉट टी एक्स टी, देखो आई आई एम कृष्ण भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आ चुका है। ओके, ना अभी तक हमने इसको लोकली चेंज किया है, अभी हमारा जो इधर जो हमारा है इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आपको सिंपली इसके लिए एक बार गिट पुश ओरिजिन मेन, ओरिजिन के अंदर मैं पुश कर रहा हूँ, नॉट अपस्ट्रीम, याद रखना। मेरा जो अकाउंट है उसका जो रेपो है उसके अंदर मैं कर रहा हूँ, अपस्ट्रीम मतलब ओरिजिनल का जो ओरिजिनल जो रेपो है जिसको हमने फोर्क किया था। ओके, या हो गया है हमारा अपलोड एंड देखना इधर सिंपली ये लाइन ऐड हो चुका है। ओके, दैट्स हाउ वी कैन सिंपली मर्ज एंड सिंपली श्रिंक फ्रॉम ओरिजिनल। नाउ हम लोगों ने एक बहुत ज्यादा ही कोड लिख लिया है। एक बार मैंने रीसेट किया, उसके बाद सबसे पहले फेच किया, उसके बाद रीसेट किया, इतना सब कुछ नहीं करना है, चिल एंड डू पुल। ओके, हाँ, क्योंकि मैं सबसे पहले एक चेंज कर देता हूँ हमारे कोडर वाले भैया का रिपो के अंदर। ओके, मैं मेरा डायरेक्ट एक्सेस है इसीलिए मैं डायरेक्टली चेंज कर रहा हूँ, आप नहीं कर पाओगे। ओके, सो डू सब्स सब्सक्राइब एंड लाइक, सॉरी लिंक नहीं, लाइक कमिट, मैं डायरेक्टली कमिट कर देता हूँ, तो हमारा कोडर वंदे भैया के अंदर ये चेंज हो चुका है। ओके, लेकिन अभी हमारे पास ये चेंज नहीं हुआ। आपको ये चेंज करने के लिए आपको जो हम लोग पहले फेच उसके बाद रीशेट हार्ड ये सब करना नहीं है, आपको सिंपली गिट पुल कहाँ से, ऑप्शन, ऑब्वियसली ऑप्शन से, ऑप्शन का मेन आ गया, वन फाइल चेंज वन इंसर्शन वी आई रीडमी डॉट टी एक्स टी वाला, डू सब्सक्राइब एंड लाइक, यस क्लियर। इसको मैं सिंपली हमारा जो ब्रांच है उसके अंदर मैं पुश कर देता हूँ, पुश ऑरिजिन मेन,
पोर्टल वाले भैया के अंदर चेंजेस है, एंड अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, तड़ा, सिंपली हमारा चेंज हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अभी हम लोग देखेंगे कैसे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है एंड हम लोग कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं। ओके, लेट मी फर्स्ट क्रिएट अ मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए मैं एक सिंपली मेरा एक प्रोजेक्ट के अंदर मैं सिंपली क्या करता हूँ कि नंबर 4 लाइन के अंदर मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, हाय कृष्णेंदु रॉय कर देता हूँ। ओके, तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट मेनली अराइज होता है जब सेम लाइन ऑफ कोड के अंदर, मतलब सेम लाइन के अंदर किसी भी कोड बेस के अंदर, अगर सेम लाइन के अंदर मैंने चेंज किया एंड किसी दूसरे बंदे ने उसका खुद का कुछ चेंज किया, मतलब मैंने मेरे कोड के अंदर लिखा हाय कृष्णेंदु एंड मे बी किसी दूसरे बंदे ने लिखा हाय राहुल। अब गिट हमसे पूछेगा, गिट हम मुझसे पूछेगा भाई किसका कोड मुझे लेना, सेम लाइन में दोनों अलग अलग कोड लिखे हो तो किसका कोड मैं लू। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग इसको मर्ज कर पाएंगे। ओके, तो अभी हमारा 4 नंबर लाइन के अंदर हमारा है हाय कृष्णेंदु एंड मैं अगर इसको मेरे लोकल रिपोजिटरी के अंदर दिखाऊं, गेट वी आई रीडमी डॉट एम डी एंड इधर है हमारा हाई एवरीवन एंड नेक्स्ट लाइन कुछ भी नहीं है। ओके, मैं अगर कुछ भी चेंज करता हूँ नेक्स्ट लाइन के अंदर, हाई कोडर वाले भैया ओके एंड मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, गिट एड डॉट ओके गिट कमिट, अगर मैं गिट स्टेटस करता हूँ तो हमारा स्टेज एरिया के अंदर आ गया है हमारा रीडमी डॉट एम डी, देन गिट कमिट रीडमी डॉट एम डी मॉडिफाइड ओके देन हिट एंटर, देन गिट पुश ओरिजिन कृष्णेंदु ओके। मैं सिंपली इसको पुश कर देता हूं, अगर ये सक्सेसफुली पुश हो जाए तो ये मुझे एक दिखाएगा 1 कमिट अहेड। ओके, इधर हमारा है मेन ब्रांच के अंदर है हमारा कृष्णेंदु ओके एंड हमारा कृष्णेंदु ब्रांच के अंदर है कोडर वाले भैया। तो मैं क्या करता हूँ, एक पी आर मैं देता हूँ पुल रिक्वेस्ट। अभी देखो मुझे बोल रहा है कि कांट ऑटोमेटिकली मर्ज, ऑटोमेटिकली ये मर्ज नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है। मैं एक बार इसके अंदर एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर देता हूँ, रीडमी मॉडिफाइड एंड क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। तो पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो जाने के बाद अगर मैं इसको रिव्यू करूँ एज अ कृष्णेंदु रॉय जो हमारा एज अ मेंटेनर, तो आपको दिखाई देगा कि इधर हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट है। गेट बोल रहा है भाई तेरे जो 4 नंबर लाइन है उसके अंदर किसी ने कृष्णेंदु ने किया है हाय कोडर वाले भैया एंड मेन के अंदर है हमारा हाय कृष्णेंदु राय, तुम कौन सा लेना चाहते हो। मैं बोलता हूँ कि हाय कोडर वाले भैया को तुम ले लो। ओके, मैंने इसको फिक्स कर दिया एंड मार्क एस रिजॉल्व कर दिया। ओके एंड कमिट मर्ज ओके, मैंने मैनुअली इसको फिक्स कर दिया, मैंने मैनुअली गिटहब को बोला कि भाई तू इस कमिट को तू ले, मतलब इस वाले कोड को तूने मर्ज करना है। ओके एंड कॉन्फर्म मर्ज एंड ये हमारा हो गया है एंड अगर मैं मेन के अंदर जाऊँ तो आपको दिखाएगा हाय कोडर वाले भैया, पहले था हमारा हाय कृष्णेंदु राय। ओके, इस तरीके से हमारा मर्ज कॉन्फ्लिक्ट काम करता है एंड हम लोग इस तरीके से मैनुअली इसको रिव्यू करके उसको फिक्स कर सकते हैं। नाउ लास्ट थिंग हम लोग देखने वाले हैं कि रीबेस क्या होता है। रीबेस के अंदर हम लोग क्या, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ न्यू 1 डॉट टी एक्स टी
गिट एड डॉट गिट कमिट, मैं सिंपली एक स्टेज देन फोटो क्लिक कर रहा हूँ, एडिट न्यू वन, ओके मैंने ऐड कर दिया। अभी मैं न्यू टू क्रिएट कर रहा हूँ, मैं सिंपली कमिट नॉट कमिट ऐड देन कमिट टू, देन मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ इसको, गिट सॉरी टच न्यू थ्री डॉट टी एक्स टी गिट एड डॉट गिट कमिट एडिट न्यू थ्री, ओके लॉक, अगर मैं गिट लॉक करूँ तो देख हमारे पास है एड वन न्यू टू न्यू थ्री। ना आई वॉन्ट टू मेक वन कमिट बाई मार्जिंग ऑल ऑफ दोज, हाउ मतलब हम लोग एक कमिट के अंदर ये जो कुछ भी है उसको मार्ज कर देगा। आप अगर स्टैक से करना चाहते हो तो स्टैक से कर सकते हो, रिसेट करके आप सिंपली उसको मार्ज कर देना, एक बार ही पूछ दे, लेकिन हम लोग रीबेस के साथ उसको करने वाले। तो रीबेस करने के लिए आपको सिंपली लॉक के अंदर जाना हो, एंड आप जहां से रीबेस करना चाहते हो, मैं इधर से रीबेस करना चाहता हूँ, उसके नीचे जो कुछ भी कमिट है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके मैंने इस कमिट को कॉपी कर लिया, एंड गिट री बेस, ओके इंटरेक्टिव मोड, डैश आई मतलब इंटरेक्टिव मोड, मतलब हम लोग कुछ कोड नहीं करेंगे, हम लोग एक इंटरेक्टिव मोड के अंदर हम लोग चेंज कर पाएंगे। ओके सो देखते हैं कैसे, एंड मैं सिंपली इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, एंड यस दिस इज आवर इंटरेक्टिव मोड। सो नाउ इधर होता है पिक एंड स्क्वाश, पिक मतलब हम लोग अगर मैं इसके अंदर एस लिख देता हूँ एंड इसके अंदर एस लिख देता हूँ तो ये जो दो कमिट है ये कमिट इसके साथ मर्ज हो जाएगा। पिक मतलब हमारा ये एक कमिट है, स्क्वाश मतलब ये जो कमिट इसके ऊपर वाला जो पिक है उसके साथ मर्ज हो जाएगा। अगर मैं लास्ट वाले को पिक कर देता हूँ तो ये जो कमिट है न्यू टू वो न्यू वन के साथ मर्ज हो जाएगा, एंड जो हमारा न्यू थ्री है वो अलग कमिट बन जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसको एस कर देता हूँ, एंड मैं इसको सेव करने के लिए आपको सिंपली कोलन सॉरी एस्केप, फिर आप नीचे देखना, इधर आप देख पा रहे होंगे एकदम नीचे जहाँ पे हमारा विंडोज का जो की होता है उधर कोलन एक्स, ओके तो हमने कोलन एक्स दे दिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर सिंपली हमारा एक कमिट लिखेंगे। तो अभी हम लोग एक कमिट लिखेंगे जिसके अंदर हम लोग जो हमने मार्च किया था ना उसके लिए एक अलग से कमिट होगा। तो रीबेस, लेट्स से रीबेस सक्सेसफुल, एंड आपको इसके कोलन एक्स डन। अगर मैं गिट लॉक करूं वाला सो ओके तो सक्सेसफुल का एक स्पेलिंग गलत हो गया, एक एल ज्यादा हो गया, लेकिन ये मेन फोकस हमारा नहीं है, हमारा मेन फोकस है हमारा न्यू वन न्यू टू न्यू थ्री, कहाँ पे हमारा मर्ज हो चुका है कहाँ से डीबेस के अंदर, मतलब हमारा जो एक कमिट है उसके अंदर ये मर्ज हो चुका है। इस तरीके से हमारा रीबेस काम करता है। आई होप इस वीडियो के अंदर आपने सिंपली देख लिया है कैसे गिट एंड गिटहब काम करता है, एंड हमने इसको गिट का जो हमारा बैश है उसके अंदर किया। आप सिंपली सेम कोड को आप वीएस कोड के अंदर भी कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो बताइए आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड इस वीडियो को लाइक करना है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। तो बाय बाय।